20वीं सदी का वो बच्चा जिसने अकेले ही अपने से 100 गुना ताकतवर अमेरिकी फौज को टक्कर दी थी। सिर्फ टक्कर ही नहीं दी बल्कि अमेरिकियों को ये एहसास दिला दिया था कि उस पर काबिज होना उनके बस की बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सद्दाम हुसैन के पोते मुस्तफा हुसैन की, जिसने सिर्फ एक मकान में छुपकर अकेले ही सैकड़ों अमेरिकियों को मौत के घाट उतार दिया था और दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को एक वक्त के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। असल में दोस्तों 22 जुलाई 2003 को जब अमेरिकी फौज को किसी मुखबिर के जरिए मालूम हुआ कि इराक के मोसुल शहर के एक मकान में सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे और उनके पोते समेत एक गार्ड मौजूद है, तो तुरंत अमेरिकी फौज ने उस मकान पर हमला कर दिया। अपने सामने इतनी बड़ी फौज को देखकर उन चारों लोगों ने भी हार नहीं मानी और दुश्मन के खिलाफ बंदूकें उठा ली। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे मारे गए और उनके बाद उस गार्ड की भी मौत हो गई। ऐसे में उस मकान के अंदर सिर्फ मुस्तफा हुसैन ही जिंदा बचा। लेकिन दोस्तों मुस्तफा हुसैन ने अकेले होने के बावजूद भी दुश्मन का इस कदर सामना किया कि अमेरिकी फौज को मजबूरन पूरे मकान को उड़ाना पड़ा, क्योंकि बंदूकों के दम पर मुस्तफा हुसैन को मारना एक नामुमकिन सा काम बन गया था। शायद यही वजह है।